मुधोल हलका कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सिंधे आनंद राव पाटिल की मौजूदगी में बियारस से ताल्लुक़ रखने वाले कई नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने आनंद राव पाटिल और बियारस से कांग्रेस में शामिल होने वाले नौजवानों से बात की, आइए देखते हैं। और आइए, हमारे साथ मौजूद है आनंद राव पाटिल साहब। सर, आपका बीबीएन न्यूज में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए, जैसा कि चार दिन में एक दो दिन पहले जो डीएम के 7 दरवाजे खुलने से भैंसे में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब भी आए हुए थे और मुशर्रफ साहब भी आए हुए थे, सारे सर्वे किए, मगर कौन से गरीब आदमी को क्या मदद की उसके बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा भैंसे के वास्ते जो है सो बहुत बड़ा संकट था कि जो है सो ये दिन में हुआ बोल के बहुत बड़ा जान की हानि नहीं हुई, नहीं है तो रात में हुआ तो बहुत लोगों को जान को नुकसान होता था अपने एरिया में। क्यों बोले तो वो दिन में होने से लोग अलर्ट होने से वो सेफ हो गए। अभी ये हमारा कांग्रेस पार्टी का मुधोल कांसे का ऑफिस है, यहाँ पे 4 फीट पानी जमा था, तो ऐसा जो है सो बहुत एरिया जो है सो माल की नुकसानी हुई, जानवर मर गए, मुर्गियाँ बकरियाँ, ऐसा बहुत जान का जो है सो नुकसान हो गया। तो आज जो है सो मुधोल कांसेसी में भी जो है सो बड़े बड़े शिराला प्रोजेक्ट बोले तो कांसेसी में गड्ढेना बाबू के बाद का बड़ा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भी जो है सो टूटने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और 4-5 गांव का जो है सो जमीनात पूरा ये हो गए, और 2 दिन को लोगों को पीने को पानी नहीं मिला शिराले के लोगों को, तो ऐसी हालत थी। तो कलेक्टर साहब आने के बाद मैं भी एक दिन कलेक्टर साहब के साथ कांसेसी में बोलसा विलेज है और शिराला है और बहुत जगह उनके साथ में था, मैं उनको यही रिक्वेस्ट किया गया साहब हालात बहुत में नहीं रह सकते, इतना जो है सो कच्चा है कि जो है सो पेपर डाल के लोग खड़े रह रहे, और जो है सो पहले वो लोगों को रहने के वास्ते, और गुंडे गांव भी विलेज है अपना, गुंडे गांव की हालत बहुत बुरी थी, वहाँ गुंडे गांव के पेपर में आप फोटो आए देखे होंगे, दाल ज्वारी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के बैग्स सब पानी हो गए वहाँ, तो जो है सो मैं समझता हूँ वो गाँव में जो है सो 1 करोड़ का नुकसान हो गया। वो तो ये हालात है, लोग जो है सो रो रहे परेशान हो रहे, तो कलेक्टर साहब को यही रिक्वेस्ट किया गया साहब पहले उनको खाने का इंतजाम किया जाए और उनको रहने का इंतजाम किया जाए। तो जो है सो आज सरकार ये देखना चाहिए, सब लोगों को यही अपील कर रहा हूँ, मैं पूरे लोगों को अपील कर रहा हूँ, जो है सो अपने अपने एरिया में मुधोल कांसेसी में MRO रेवेन्यू ऑफिस जो है तहसील ऑफिस में जाके अपना जो भी नुकसान हुआ वो जो है सो एप्लीकेशन दिया जाए, वो गिरदावर आके उसका देख लेके जो है सो रिपोर्ट ये करेंगे। आपसे एक सवाल है, ये तो TRS पार्टी का BRS पार्टी का दावा है कि हम जो भी जिसको जिसको नुकसान हुआ, मगर आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस आपके हाई कमांड इसको इस गरीब आदमियों से क्या मदद करेंगी, और जो जिस जिसका नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी से क्या करेंगे उसके बारे में कुछ बोलिए। अभी जो है सो हमारा रेवंत रेड्डी से भी बातचीत हो गया, हमारे जो अध्यक्ष है, और उनको जो है सो हमारे एरिया का हालत बताया गया, और उन्होंने ये करा कि वो अभी स्टेट में पूरे जगह नुकसान हो गया, उन्होंने एक एक एरिया घूमते घूमते ये भैंसे में भी आएंगे, क्यों तो उधर एरिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सो है 2-3 जिले में। और एक बार सर, जैसा कि आपने तेलंगाना में पूरे नुकसान हुआ बोले, आपकी बात करेक्ट है, मगर आपको ये मालूम होगा कि भैंसा मुधोल तालुके में छोटे से विलेज ज्यादा है, छोटे से गाँव ज्यादा है, और यहाँ डैम होने की वजह से काफी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा, मगर किसी को, किसी आम आदमी की परवाह नहीं, उसकी फिक्र नहीं कि आज कईयों देहातों में आप देख रहे होंगे, आप सर्वे कर रहे होंगे कि कईयों लोगों को खाने को चावल नहीं है, और जो लोग मुसीबत का सामना करे, मगर कोई लीडर आज तक जाके 2-3 दिन हो गया, कोई आज तक कोई लीडर जाके किसी की मदद नहीं करा, ऐसा क्यों? हर कोई अपने अपने मफाद के लिए काम कर रहा, हर कोई लीडर अपने अपने जैसे कि अगले ऐसा लग रहा है कि सारे लीडर जाके अपनी अपनी सेल्फी मार रहे, अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे, मगर किसी को किसी गरीब की हमदर्दी नहीं, ऐसा क्यों सर उसके बाद? देखिए, अभी अपन वो सही कोचेस करे, आप जो है सो 3 दिन के नीचे जो है सो इंद्र करेडी मिनिस्टर साहब जो है सो भैंसा एरिया में आए, और जो है सो उनके साथ MLA साहब थे, गुंडे गाँव का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी गुंडे गाँव को उन्होंने विजिट नहीं किया, गुंडे गांव के जो है सो सरपंच के साथ बड़े लोग आके रिक्वेस्ट करे साहब हमारे पास आके जरा देखिए बोलने के बाद भी उन्होंने नहीं आए। ये सर, ये बार बार हर जगह गुंडे गांव का ही नाम क्यों आ रहा है? गुंडे गांव से ही हर लीडर सिर्फ गुंडे गांव का ही नाम लेता है, हालांकि गुंडे गांव वालों को सरकार ने कहा है कि भाई हम आपको दूसरी जगह देंगे, मगर हर जगह हर टाइम
गुंडेगांव का ही नाम सामने आता है, क्या दूसरे मंडल में दूसरे गांव नहीं है, दूसरे लोग गरीब लोग नहीं है, क्यों गुंडेगांव का ही नाम आता है? क्यों गुंडेगांव के लोगों को ही निशाने आमाल पे बना के पार्टीबाजी पे काम किया जाता है, उसके बारे में कुछ बोले सर? ऐसा नहीं है, अभी गुंडेगांव में मैं 3 दिन के नीचे गया था तो गुंडेगांव गांव पूरा पानी हो गया, ऐसा एग्जाम्पल सराउंडिंग में पानी हुआ था। तो गुंडेगांव में मैं गया, जाने के बाद क्या है, घरों में से ब्यागा निकाल के बाहर फेंक दिए, जैसे ज्वारी की ब्यागा है, दाल मिर्ची नमक कोई चीज भी हाथ को नहीं आया, पूरा जो है सो फर्टिलाइजर के ब्याग, अभी सीजन है कास्कार का खेत में दवा डालने का, हर एक घरों में जो है सो 10-20-50 ब्याग तक थे, पूरा पानी हो गए। तो वो जो है सो पूरा उतना बड़ा नुकसान जो है सो और थोड़ा थोड़ा हुआ, मगर वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सिराला भी गांव था, सिराले गांव में भी थोड़ा बॉर्डर से पानी गया, बाकी का जो है सो गांव सेफ रहे लोगा। तो प्रोजेक्ट से जो है सो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गुंडेगांव का नाम लेने का रीजन ये है कि ए टू जेड पूरा खत्म हो गया वहां पे। तो हर जगह और क्या है बोल तो, और बहुत जगह घूमना है देखना है, क्यों तो एक जगह नहीं 100 से जगह नुकसान होने से हर जगह नहीं आ पड़ रहे हम। वो पॉलिटिक्स का बात नहीं है, ओरिजिनलिटी का बात है। हम जो है सो सिराला गांव में जो है सो मई इतने पानी में जाके आप देखे होंगे जो है सो पानी, पहले फर्स्ट एड दूसरे दिन पानी, इतने पानी में जाके हम जो है सो 100-200 पानी के डब्बे ले आके पानी पिलाया गया, क्यों तो पहले हैंडबोर रहते थे गाँव में, वो नहीं से पानी निकालने का कोई सोर्स नहीं था, करंट के पोल गिर गए। उसके बाद वहाँ लोग जो है सो डिलीवरी के कुछ केसेस थे, कुछ प्रॉब्लम थे, तो हेल्थ कैंप के डॉक्टरों को लिया के वहाँ पे मैं साथ में रह के वो कराया। तो इस वास्ते उसके बाद कलेक्टर आने के बाद भी हम करें नहीं करें बोल के नहीं, अब दूसरों का हम नहीं बोल सकते, हमारे लेवल से हमारे हिसाब से हम लोगों में जाके मिल रहे, वहाँ जाके पूरा हर जगह नहीं मिल सके। और तो ऐसा पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं होता इसमें, पॉलिटिक्स की बात हम तो नहीं कर रहे, अगले वाले कर रहे तो नहीं मारूं हम, मगर यही बोल रहे सर आपका ये कहना है कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, दूसरे कोई कर रहे होंगे वो हमें नहीं मालूम, मगर सर आपने अभी 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 आपने कहा है कि मैं इतने पानी में जाके लोगों को पानी पिलाया, पानी पिलाने से सिर्फ आम आदमी की प्यास बुझेगी, मैं वो अनाज कहाँ से लाएंगा? आप कौन सा लीडर जाके उन्हें कुछ दो वक्त खाने का अनाज दिया? नहीं दिया। सिर्फ आम आदमी उसकी एक मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपने अपने पार्टी वाले अपने मफाद के लिए काम कर रहे। जैसा कि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हर गांव के सरपंच, हर एक गांव में सरपंच है, वो सरपंच कौन सी भी पार्टी का रहें दो, क्या कौन सा सरपंच जो आज तक जो 2 दिन में कोई अपने गांव के लोगों की कोई मदद करते हुए नजर नहीं आया, वैसा क्यों? ऐसा कौन सा, हर जगह हर गांव में सरपंच है, मगर कोई सरपंच भी किसी गरीब के खाना खिलाते हुए नहीं देखे, कोई गरीब को जाके उसको उसकी मजबूरी का हल नहीं पूछा, ऐसा क्यों सर? क्या लीडरशिप यहाँ तक ही रह गई या सरपंच की यहाँ तक ही रह गई कि आम आदमी का कोई काम नहीं है, आम आदमी को कोई देखा नहीं जाएगा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि कोई हमदर्दी दिखाने से उसका पेट नहीं भरता, उसे खाना खिलाने से उसकी भूख मिटती है, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? मैं पानी का इश्यू इस वास्ते बोला, सिराला गांव में जो है सो पूरा गांव को पानी घेर लिया था, वो भी 10-20 फीट पानी रहने से एक दिन नहीं जा सके, वहाँ खाने के घरों में सामान में, इस वास्ते पानी की बात कर रहा मैं, ऐसा नहीं है जहाँ भी जैसा भी हम आप गए साल भी देखे होंगे, गए साल भी गुंडेगांव में जो है सो चावल दाल हर चीज हम वहाँ पे लोगों को जाके मिल के दिया गया, गए साल का बात बोलूं मैं तो, अभी भी जो है सो पूरा कांसेसी में कहीं कहीं वहाँ सो खाली पेपरों में देख रहे हैं, हर जगह पे हम जाएंगे मिलेंगे। और हम ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने का काम नहीं है और बड़ापन बोल लेने का नहीं है, लोगों को क्या हुए अभी क्या है, सरकार को हम ये बोल रहे हैं भाई जो है सो तुम कुछ तो भी करो, खाली देखने से कुछ होने वाला नहीं है, अभी लोगों को जो है सो पहले खाने का और रहने के इंतजाम करो बोल के हम बोल रहे हैं। सरकार का नाम लिया उससे एक मेरे को सवाल याद आया, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे BRS के KCR साहब ने 2-3 महीने पहले दावा किया था कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, 1,000-1,015 रुपये बढ़ाएंगे, मगर 3 महीने हो गया अभी तक किसी को पेंशन वो बढ़ा नहीं, क्या ये बाता हवाई फायदा है या पब्लिक को बहकाने के गेम खेला जा रहा या फिर आम आदमी और गरीब लोगों को परेशान करने का गेम किया खेला जा रहा, उसके बारे में सर? क्योंकि 2 दिन पहले ही पेंशन हर लोगों के पेंशन आए, वो एक उम्मीद पे थी एक आशा पे थी कि लोगों को कि इस बार हमें पेंशन ज़्यादा आएगा, मगर इस बार भी पेंशन नहीं बढ़ा, क्या बाता दिखावे के है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? अभी हम बताने की क्या जरूरत है, वो हवाई फायर रहने से तो ये लोग बता दिए ना, अभी ऐसा देहातों में हर लोग तैयार हो गए, अभी ये हवा फायर है तो ये लोग ज्वाइन हो रहे ना, नहीं तो क्या होता, भरोसा जिस जब इंसान का भरोसा उड़ जाता जब ये सब चीजें होते रहते, उन्होंने जो है सो कौन सा चीज पूरा करे मेरे को बोलो, अभी वोटों के वास्ते अभी SC बंधु ही नहीं है तो BC बंधु बोले, हाँ माइनॉरिटी बंधु बोले, करो ना फिर, अभी 3-4 महीने टाइम है सबको फुलफिल करो, तो ये क्या है लोगों का विश्वास मतलब नहीं है। ये लास्ट सवाल आपसे है, जैसे कि हमारे BRS के
केसीआर साहब ने कहा है कि माइनॉरिटी लोग 1 लाख रुपए दिया जाएगा, उसके अभी तक वो बोले जब से पब्लिक पूरी परेशान है कि मुझे लोन चाहिए, गरीब आदमी परेशान है और एप्लीकेशन दे रहे, उसका कोई ऑनलाइन पे कोई उसका वजूद नहीं बता रहा, कोई उसका डिक्लेयर नहीं है, ये बातें कब तक चलेंगी ऐसा उसके बारे में। और वो ये चीज़ आपके हाईकमान वाले जाके बोल सकते कि आपने 1 लाख माइनॉरिटी के लिए लोन सिलेक्शन किया था, उसके बारे में ये ऐसा पूरा क्यों नहीं रहा, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? अभी साहब होने का नहीं तो बोलने का क्या है, अभी जो है सो उन्होंने बीसी बंधु बोल के जो है सो डेली लोगों को 500 रुपए का मजदूरी चल रहा है, उन्होंने बीसी बंधु बोलने से जो है सो हर घर से बीसी लोग जो है सो वो ऑफिसों के सर्टिफिकेट निकाल के जो है सो पूरा उसमें जो है सो 1000 रुपए खर्चा हो गया और डेली का मजदूरी चले गया। और वो जाके ऑनलाइन में देखे तो इतना सिस्टम लगाया है कि उसमें से 100 लोग एप्लीकेशन लगाए तो 5 लोग अभी एलिजिबल नहीं है। तो ये सब जो है सो लोगों को बहका के परेशान करने के काम है। इस वास्ते इसमें अब तुम यहाँ क्या है, जा कोई जाना मी सेवा में, जाना मी सेवा में गए तो उन्हें इतना बड़ा लिस्ट बता दिया तो उन्हें एलिजिबल नहीं है। तो वो फिरने में 8-10 दिन लोग जो है सो उनके 500 की मजूरी चले गई, उनका फार्म के पैसे वेस्ट हो गए, फार्म भरने को करने को दूसरे लोग 500 रुपये ले रहे, वो 1000 रुपये वैसा चले गए और लास्ट में रिजल्ट हाथ में क्या है बोले तो निराशा के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जो कीमती टाइम आपने बीबीएन को, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वोट जाया ना करें, किसे देना है किसे चुन के लाना है वो आप पे डिपेंड करता, आप अपना कीमती वोट को व्यर्थ मत कीजिए, सारे लीडरों की बातों पे तवज्जो दीजिए, उस पे जहन लड़ाइए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है वो आपको तय करना है, तमाम लीडरों की बातों को सुन के अपने दिमाग को एक जगह रख के कौन सा लीडर अपने लिए सही है वो आप पे तवज्जो करता। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज भैंसा। हाउस हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिकवेल के स्पेशल दम के रोट, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस, बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद आपके खुशियों का साथी, बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।